इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज़ में स्वागत है। शिवपाल सिंह यादव को मिलेगी चुनौती, 3 अप्रैल तक सरकारी विकास बैंक सभापत का चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम सभा बैंक के संबंधित कार्यक्रम बुधवार को जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के सहकारी समिति निर्वाचन आयोग की कार्यक्रम जारी और 10 फरवरी तक मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सभापत के चुनाव अप्रैल में किया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने इस चुनाव के चुनौती मिलते ही संभावना जताई है। शिवपाल सिंह का कार्यकाल 6 अप्रैल तक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पीके मोहंती ने बताया है कि बैंक में 323 शाखाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव 27 को होगा। इसके पूर्व मतदान सूचियों में दर्ज आपत्तियों के निस्तारण 13 फरवरी तक दिया जाएगा। 14 फरवरी को मतदान सूची का प्रकाशन के बाद विशाखा प्रबंधक चुनाव के नामांकन 17 फरवरी को प्राप्त 10 से 4 बजे तक होंगे, जाम होंगे। 20 फरवरी तक चुनावी आवंटन में 27 फरवरी तक मतदान का मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास के बैंक की कमेटी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रसपा कब्जा में। प्रसपा अध्यक्ष के पूर्व शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि 6 अप्रैल तक होने की जानकारी प्रबंधक निदेशक ने नवंबर 2019 को ही जिसके आधार पर चुनाव कार्यकारी जारी किया है। मोहंती ने बताया कि प्रबंधक समिति के सदस्यों का चुनाव 1 अप्रैल को होगा। इससे पूर्व 20 मार्च तक मतदान सूची का अंतिम प्रदर्शन और 24 को अंतिम प्रकाशन होगा। नामांकन दाखिल करने का मार्च 25 मार्च को पूरा होगा और बाद में 27 को चुनाव का आवंटन किए जाएंगे। अगर मैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।